धनबाद में एक बार फिर खून बहाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली अक्टूबर को शहाबुद्दीन सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर 21 अक्टूबर की रात लगभग 9 बजे धनबाद के नया बाजार में अरशद आलम उर्फ बाबला को गोली मार दी गई। बाबला को 3 गोली मारी गई है। एक गोली सिर की हड्डी को नुकसान पहुंचाकर निकल गई, जबकि 2 गोली पीठ में लगी है। गोली लगने के बाद बाबला जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर पीठ में फंसी 2 गोलियों को निकाल दिया। हालात उसकी अभी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि 72 घंटे बाबला के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से एक पिस्टल और 3 खोखा बरामद किया। बाबला अपराध की दुनिया छोड़कर अब अपने धंधे व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। 80 के दशक में बाबला की धनबाद में तूती बोलती थी। गैंगस्टर फहीम खान के परिवार से दुश्मनी की वजह से वो चर्चा में आया था। बाबला पर गैंगस्टर फहीम खान के पिता सफीक खान की हत्या का आरोप लगा था। हाल के दिनों में अपराध की दुनिया से वो तौबा कर लिया था। बताया जाता है कि बाबला के घर से सटे एक अपार्टमेंट का निर्माण कार्य चल रहा है। इसको लेकर पिछले कई माह से विवाद चल रहा था। आशंका व्यक्त की जा रही है घटना के पीछे ये विवाद भी हो सकता है। सूचना के अनुसार रात लगभग 9 बजे वो अपने घर के पास बाइक लगा रहा था, तभी कुछ लोग आए। एक ने उसकी पहचान कराई। इधर अपराधियों ने बाबला के सिर में सटाकर गोली मार दी। बाबला जख्मी हालत में भागने लगा। अपराधियों ने पीछा कर उसकी पीठ में 2 गोली मार दी। इस दौरान अपराधियों की पिस्टल वहीं गिर गई और वो भाग निकले। इधर बाबला के परिजनों ने पुलिस को एक वीडियो फुटेज सौंपा है। अस्पताल जाने के दौरान परिजनों ने उसका बयान रिकॉर्ड किया है। अस्पताल में देर रात को बाबला का ऑपरेशन किया गया। एक गोली लंग्स के पास और दूसरी भी निकाल ली गई है। सिर में कई टांके लगाए गए हैं। फिलहाल बाबला की स्थिति स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा और 1 पिस्तौल बरामद किया है। घटनास्थल पर काफी खून गिरा मिला है। पुलिस पूरे परिसर को सील कर जांच कर रही है। एक महीने में लगातार 2 बड़ी घटनाओं से पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ गया है। सर क्या कुछ घटना हुई है सर? एक गोलीबारी पहचान हुई है सर कौन है?